देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा देखो प्रॉफिट एंड लॉस प्राइड टू इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन बाकी था, वो करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही बाकी था। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ये क्या है, ए पार्टनरशिप फर्म मेसर्स नाइस सन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 मई 2001। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म इनटू ए प्राइवेट कंपनी कॉल्ड जेनिथ पी लिमिटेड। मतलब ये लोग अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस का फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, सेल परचेज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसको हम लोग बोल सकते कन्वर्जन, मतलब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो बाहर के लोगों के साथ सेल परचेज नहीं हो रहा है, खुद ही अपना मेसर्स नाइस से जेनिथ पी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं 1 सितंबर 2001 से। और जैसे ही हम लोग को ये डेट मिल गया 1 सितंबर 2001, हम लोग पहले टाइमलाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। हम वर्किंग नोट पहले करते क्योंकि पढ़ के समझाते, लेकिन तुम लोग एग्जाम में सोल्यूशन के लिए एक सफिशियंट पेज रखने के बाद पीछे ही वर्किंग नोट करना है तुम लोग को। ठीक है, बिजनेस का इफेक्ट है 1 मई 2001 से, 1 मई 2001। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस क्या चल रहा था, मेसर्स नाइस पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर क्या था, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म था, उसके बाद इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी बना लिया, कब से, 1 सितंबर से। ठीक है, 1 सितंबर 2001 से ये बन गया है प्राइवेट कंपनी, हम और नाम नहीं लिख रहे। ठीक है, वो पी लिमिटेड है ना, प्राइवेट कंपनी, 1 सितंबर 2001। द एनुअल अकाउंट्स वेर ड्रॉन अप टू 31 मार्च 2002, एनुअल अकाउंट बनेगा 31 मार्च 2002 तक का। ठीक है, उसके बाद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दिया है। ठीक है, अच्छा तो इससे सबसे पहले हम लोग को मिल जाएगा टाइम रेशियो। तो ये हो गया प्री पोर्शन, ये हो गया पोस्ट पोर्शन। तो प्री में कितना मंथ और पोस्ट में कितना मंथ बताओ, मई से लेके 1 सितंबर कितना मंथ होता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का एक तारीख है तो 4 मंथ्स। तो ये सितंबर से मार्च, तो सितंबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ 7 मंथ्स। ठीक है, तो टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट 4:7। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, टर्नओवर का मतलब सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अर्निंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग अर्निंग है ना, मतलब ये बिजनेस का अर्निंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, आज इन्वेस्टमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल्स भी देखोगे तुम लोग, इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखा है, अब इन्वेस्टमेंट किसने किया है वो तो नहीं पता, लेकिन उससे इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है तो मान सकते हो कि डिवेंचर वगैरह बॉन्ड वगैरह होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा भी है तो उससे प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ये टोटल अर्निंग, यहाँ से COGS लेस किया, मतलब जो टर्नओवर था ये टर्नओवर से रिलेटेड होता है, इसको डायरेक्ट करते हैं तो जीपी आ जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी मैनेजर सैलरी ऑडिट फीस रेंट ये सब डिटेल्स बोल रखा है। ठीक है, डिटेल्स हम लोग एक एक पढ़ लेंगे जब करेंगे, मेन चीज पे आ जाते हैं। कंपनीज ओनली बोरिंग वॉज अ लोन ऑफ 15 लाख एट 9% पर एनम टू पे द परचेस कंसीडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द लोन वॉज टेकन ऑन 1 सितंबर। कंपनी ने बोरो किया है, मतलब पोस्ट यहाँ से प्राइवेट जब कंपनी हो गया तब कंपनी ने बोरो किया है लोन 15 लाख का। ठीक है, 15 लाख का लोन बोरो किया है 9% पर एनम इंटरेस्ट के साथ, ताकि वो परचेस कंसिडरेशन पे कर पाए जो ड्यू है पार्टनरशिप फर्म के पास, और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए। लोन 1 सितंबर को लिया गया है, तो इसका मतलब लोन का इंटरेस्ट हमें देखना चाहिए, यहाँ कुछ इंटरेस्ट था एक्सपेंसेस में, चेक करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला है बट ये तो लोन है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अच्छा लास्ट में है, हाँ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग 1,25,000 बोल रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ठीक है 1,25,000 बोल रखा है, हम लोग चेक करते हैं कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते एक बार, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरेस्ट
ऑन बोरोइंग। अच्छा, कितना बोरो किया गया है? 15 लाख, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9%। और कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? सितंबर में ये लोन लिया गया है, बोल दिया है। देखो, लोन इंटरेस्ट जो है, ये लोन जो है, ये 1 सितंबर को लिया गया है, तो इस ईयर का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 मंथ्स का लगेगा इंटरेस्ट। तो 7 मंथ्स का चेक करके देख लो कितना होता है, 15 लाख, 15 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9% इक्वल 78,750 हुआ, ठीक है, 78,750। बट यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि कुछ अलग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लेंगे क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 1,25,000 दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो है इंटरेस्ट आगे का भी कुछ होगा, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टोटल बोल रहा है। देखो, ये जो है, ये डेटा 1 मई से 31 मार्च तक का है ना। ये जो डेटा है यहाँ पर जो दे रखा है, ये 1 मई से 31 मार्च तक का है। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी 1 मई से 31 मार्च तक का है, तो इसका मतलब प्री का इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कौन से पीरियड का इंटरेस्ट हो गया? ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम लोगों ने चेक किया, ये कौन से पीरियड का है? पोस्ट पोस्ट का, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम लोग को दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कहां पर दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे पता चला कि ये उतने टाइम का है? क्योंकि इसके ऊपर ही बोल दिया था डेटा 1 मई से 31 मार्च तक का है, 1 मई से 31 मार्च तक का है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये अमाउंट है तुम लोगों का, यहाँ पर दे रखा है 1,25,000, ठीक है। तो अगर इसमें ये पूरे 31 मार्च तक का है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम लाइन के तरह देखें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा है 1,25,000, जिसमें से यहाँ तक का इंटरेस्ट का हम लोग को पता चल गया 78,750। तो इसका मतलब ये टोटल में, ये अगर पोस्ट पोर्शन का है तो बाकी कौन से पोर्शन का होगा? क्योंकि हमें पता चल गया ओनली पोस्ट कितना प्री प्री का हो जाएगा, माइनस करने से फोर्टी पता चल सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी हाँ, तो इंटरेस्ट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन यानी 1 मई से लेके 1 सितंबर तक का, ठीक है, माइनस कर लेंगे 1,25,000 माइनस 78,750 कितना आ रहा था? 46,000, 46,250, ठीक है, हो गया इंटरेस्ट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, ये पॉइंट वन सॉल्व हो गया। पॉइंट टू, कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 सितंबर, ये रेंट का बोला है, ठीक है, तो रेंट का कैलकुलेशन। दूसरा वर्किंग नोट बनाते, वर्किंग नोट नंबर थ्री, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर थ्री, कैलकुलेशन फॉर रेंट, कैलकुलेशन फॉर रेंट, ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते टोटल रेंट कितना है, वो दिया हुआ रहेगा पूरे पीरियड का, यहाँ पर पहले वो चेक कर लेते हैं। टोटल रेंट, टोटल रेंट, टोटल रेंट, 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 ये रहा 1,33,000, 1,33,000, ये पूरे पीरियड का है, यानी इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट। अब इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, 1 सितंबर से कंपनी ने नया स्पेस ऑक्यूपाई किया है, फॉर विच रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड, जिसके लिए 8 मंथ का रेंट जो है एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पूरा है, ये प्री प्लस पोस्ट मिला के है, लेकिन ओनली पोस्ट का हमें पता चल गया, ठीक है। ओनली पोस्ट, ओनली नहीं बोलेंगे, मतलब पोस्ट पीरियड का एक स्पेसिफिक रेंट हमें पता चल गया। एडिशनल लिख देते हैं, एडिशनल रेंट फॉर पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड में एक एडिशनल रेंट हुआ, क्योंकि कंपनी ने जो रेंट में था उनके पास प्रॉपर्टी वो तो था ही, उससे उसके अलावा भी एक रेंट, रेंटेड प्रॉपर्टी और ले लिया, जिसका रेंट है 8,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये देखो, 1 सितंबर से 31 मार्च तक का पीरियड हो जाएगा। अब एडिशनल रेंट पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 7 मंथ्स है ये वाला, अब ये तो हम लोगों ने टाइम रेशियो में पहले ही देख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 56,000, ठीक है। अब ये कौन से पीरियड का है, ये टोटल पीरियड का, ये कब का है, ये 1 मई से लेके 31 मार्च तक का है। ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट स्पेशल है हर जगह पे, ठीक है, हमें ये दे दिया है टोटल पीरियड का, जिसमें से पोस्ट इतना है, तो प्री कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ये कैलकुलेट करते हैं रेंट ऑफ ओल्ड स्पेस, ठीक है,
ओल्ड स्पेस, पहले से जो स्पेस लिया हुआ था उसका रेंट कितना हो जाएगा, तो उसका रेंट हो जाएगा 1,33,000 माइनस 56,000, क्योंकि ये तो एडिशनल था। देखो फिर से यहाँ पर समझा देते हैं, ये ड्रॉ करके ये देखो, यहां से लेके यहां तक का 1,33,000 का रेंट हुआ है, ठीक है। इसमें से यहां पर एडिशनल जो रेंट था उसके अलावा भी 56,000 का रेंट हुआ, मतलब अगर ये एडिशनल रेंट नहीं होता तो हम लोग का रेंट कितना होता, इससे माइनस करके पता चलेगा, क्योंकि ये तो टोटल बता रहा है जितना हम लोगों ने पे किया है, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूली ऑक्युपाइड के अलावा जो ओल्ड ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था उसका रेंट कितना है। कितना है? 25,664। प्री है, प्री तो सिर्फ 28,000 होगा। यहाँ पर मंथ गड़बड़ हो गया होगा, देखो वो पूरा जो है 12 मंथ्स का है नहीं ना, ये सुनो 11। हाँ ये माइनस करो पहले रेंट, ओल्ड स्पेस का रेंट कितना है, ये प्री प्लस पोस्ट दोनों आ रहा है, ये प्री प्लस पोस्ट दोनों आ रहा है ना, कितना हो रहा है ये वाला 77,000, ठीक है। हाँ इसमें प्री प्लस पोस्ट दोनों है, अब इसको बाइफर्केशन करो प्री और पोस्ट में, 77,000 का प्री और पोस्ट का बाइफर्केशन करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम बेसिस पे, ये कितने मंथ का है, ये पूरा कब से कब तक का, ये रेंट जो है ये है 1st of May से लेके 31st of March का, तो ये भी तो है, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, इसमें जो है 28,000 प्री और पोस्ट 1,05,000। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये मई से लेके मार्च तक का है, तो मई से लेके मार्च तक यहाँ पर 7 और 4 कितना हो गया, 11 मंथ्स का है, ठीक है। 11 मंथ्स का रेंट 77,000, और प्री में कितना मंथ्स है, 4 मंथ्स इंटू कितना हो जाएगा 7,000, कैसे, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 11 कर दे रहे हैं, 11 मंथ्स का रेंट है, तो एक एक महीने का 7,000 करके, तो ये हो गया 28,000, और पोस्ट का 7 मंथ्स है, तो 7 मंथ्स इंटू 7,000, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स इंटू 7,000 49,000, मतलब ओल्ड प्रॉपर्टी का पोस्ट का वैल्यू है 49,000 और एडिशनल 56,000, तो टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा, प्री तो एक ही है, टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा, 56 प्लस 49, ये ओल्ड प्रॉपर्टी क्या, ये न्यूली ऑक्युपाइड जो है 8,000 वाला 1,05,000, और ये प्री का जितना है उतना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर हो गया। ऑडिट फीस पर्टेन टू कंपनी, तो ये हम लोग कंपनी में ही चार्ज करेंगे, इसका मतलब बैड डेट रिकवर 36,000 फॉर सेल मेड इन जून का है, हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट मेंशन अबव, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग को इसको प्री में दिखाना है कि जून 2001 का है, तो जून देख लेते हैं जून कब आ रहा है, जून 2001 का है, मतलब प्री पीरियड का है, तो बैड डेट रिकवरी प्री पीरियड का है, तो प्री पीरियड में दिखाएंगे। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया है अगस्त में, अगस्त मतलब पर ही सेल हो गया, मतलब वो भी प्री पीरियड में जाएगा, और जो प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 1st September व्हिच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली सेल्स बाय 40%, तो इन्होंने पोस्ट पीरियड में क्या किया है, एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया है जिसके वजह से इनका सेल 40% एवरेज से ज्यादा हो गया है। द सैलरी ऑफ, अच्छा ये इस पे सेल्स रेशियो निकल जाएगा, तो पहले ये बना लेते, ये बन गया वर्किंग नोट 3, अब वर्किंग नोट 4, अनमिडिल का जो है उसका तो वर्किंग नोट का जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बना रहे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं सेल्स रेशियो, तो लेट एवरेज सेल्स पर मंथ रुपीस एक्स, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों को प्री का सेल देखना पड़ेगा, प्री और पोस्ट, ठीक है। तो प्री का सेल कब से कब तक का हो जाएगा, प्री का टाइम हो गया 1st of May से लेके 1st of September तक का, और पोस्ट का टाइम हो जाएगा 1st of September से लेके 31st of March तक का, ठीक है। तो प्री का देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये रहा 1st September which resulted increase in monthly average sales by 40%, ठीक है। तो 1st September से बढ़ गया है, तो इसके पहले प्री में जितना भी मंथ था उसमें एज इट इज था, तो प्री में कितना मंथ था, 4 मंथ था, तो x plus x plus x plus x, पोस्ट में कितना मंथ था, पोस्ट में था देखो 7 मंथ, और 40% इंक्रीज हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 40% इंक्रीज होने से ऐसे हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीज x था और x इंटू 40%, तो देख लो कितना होता है, 40% मतलब 40/100 है ना, 40% मतलब 40/100, ठीक है, ये हो गया, और प्लस वन मतलब 1.4
0.4x इतना हो जाएगा। और ऐसे करके कितना बार है, इतना बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो कम था तो मैंने लिख दिया, ये 7 टाइम्स है, ठीक है। तो ये हो गया 4x, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.4 × 7 9.8x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है, देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4 करके 2.45 आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर 2.45 भी कर सकते हो, मतलब अगर ये 4 से डिवाइड करोगे ना तो 1:2, ये देखो 4 से डिवाइड करने से हो जाएगा, या फिर पॉइंट हटाने के लिए ऐसे कर सकते हो, देखो 4:9.8। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर लो 98/10, ठीक है। अब 10 ये इसमें थोड़ा मैथ्स लगा सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 10 का एलसीएम कर लेंगे, 10 और 1 का, तो ये 10 ही आएगा, तो 4:10 और 98/10 × 10, ऐसे करके एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 40 और ये 98। अब इसको देख लो सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, तो ये 24.5 ही आएगा। या तो ऐसे रख दो, या तो पॉइंट में ले लो, या सबसे बेटर है ऐसे ही रख दो 4:9.8। अब जैसा आएगा करते जाओ, आई होप कि राउंड में ही आंसर आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो जैसा आएगा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे होगा, ठीक है, आगे और नहीं होगा, दिख रहा है ना 20 और 49, तो जैसा ठीक लगे कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया सेल्स रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी बोला था, सैलरी 1 जुलाई से मैनेजर का इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, सैलरी हम लोग देख लेते हैं, टोटल सैलरी कितना है, पहले टोटल सैलरी मतलब प्री प्लस पोस्ट दोनों मिला के, मतलब 1 मई से लेके 31 मार्च तक का, और टोटल सैलरी यहाँ पर दिख जाएगा हम लोग को, ये देखो यहाँ पर ये रहा 82,000, ठीक है। यहां से लेस कर देंगे एडिशनल, मतलब इंक्रीज्ड, यहां पर बोलेंगे इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज कौन से पीरियड में हुआ है, डेट देख, यहाँ पर डेटा देखने से पता चलेगा, 1 जुलाई से, मतलब प्री से इंक्रीज हुआ है 3000 करके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, पहले कितने दिन का इंक्रीज होगा बोलो, 1 जुलाई से हमें काउंट करना पड़ेगा 31 मार्च तक, कितना मंथ होता है, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का इंक्रीज सैलरी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 27,000। तो बिना, मतलब इंक्रीज अगर नहीं होता तो टोटल सैलरी कितना आता, माइनस कर लेते हैं 55,000, ठीक है 55,000, ये नॉर्मल होता बिना इंक्रीमेंट का, तो पर मंथ सैलरी कितना चल रहा था, इसका मतलब अगर इंक्रीज नहीं होता सैलरी पर मंथ कितना चल रहा था इनका जो मैनेजर है, हाँ डिवाइडेड बाई 11 करेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही 11 मंथ्स का है, ठीक है। तो 5000 करके इनका सैलरी था नॉर्मली, 5000 पर मंथ, ठीक है। अब हम लोग इसको प्री पोस्ट में लिख सकते हैं, देखो कितना आसानी से, प्री और पोस्ट, ठीक है। अब हम लोग प्री में कौन कौन सा मंथ आ रहा है, हम लोग का मई जून, यहां से देखो ना 1 मई से स्टार्ट होता है, तो मई जून और जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, ये प्री का हो गया। पोस्ट का कितना हो जाएगा, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर जैन फेब मार्च, ये ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर देख देख के लिखो, जैसे 26,000, ये देखो प्री में कितना करके हो जाएगा मंथली, ये देखो 5000 करके, मई में 5000 था, ठीक है। और इंक्रीज कब से हुआ वो देखो, डेट गलत देख रहे हो, इंक्रीज हुआ है हम लोग का जुलाई से, तो मई में 5000, जून में भी 5000, जुलाई में कितना हुआ है, जुलाई में सैलरी क्या 5000 रहेगा, या फिर इंक्रीज 3000 से इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8000। अगस्त में भी 8000, क्योंकि उसके बाद तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर कैसे रहेगा, यहाँ पर 8000 करके ही रहेगा। इसके बाद जुलाई से इंक्रीज हो गया, एक बार इंक्रीज होने से कम थोड़ी ना होता है, अगर होता भी है, प्रैक्टिकली वैसे नहीं होता है, अगर होता भी है तो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे तो कुछ बोला नहीं है। अब हमें जैसे मंथ बोला है वैसे, इसीलिए मैंने डिटेल्स में लिखा, तो ये सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर, ऐसे करके 7 मंथ्स का सैलरी हो जाएगा। तो प्री का कितना हो गया, 5000, 5000, 10000, 10000 and 16000, 26000, ठीक है। और यहाँ पर 56,000 प्री का और पोस्ट का एकदम कैलकुलेट होके ही हम लोग के पास आ गया, हम लोग जस्ट वर्किंग नोट नंबर लिख के इस क्वेश्चन को
मतलब ये जो है वहां पर लिख सकते हैं। तो ऐसे करके करना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके करना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा। क्वेश्चन 11 मंथ्स का है, ये एक मेन पॉइंट था इसमें, और पूरा डेटा हमें दे रखा है, वहां से हमें प्री पोस्ट को अलग अलग करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो मेन काम तो हो ही गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के फटाफट कर लेते हैं। स्टेटमेंट showing the calculation of profit for the pre and post incorporation. Particulars क्या फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर्स के बाद टोटल बेसिस प्री पोस्ट, अच्छा टोटल बेसिस प्री पोस्ट, पहला डेटा आ जाएगा टर्नओवर का, टर्नओवर है 55,20,000, टर्न ओवर 55,20,000, ठीक है। बेसिस क्या हो जाएगा, सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो क्या था, सेल्स रेशियो ये यूज करके भी कर सकते हो 4:9.8 या फिर ये वाला 20:49, कोई भी एक 20:49 ही कर लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा देख लो, 55:20 डिवाइडेड बाय ये हो गया 69 into 20, तो ये हो जाएगा 16 लाख, और बाकी माइनस करने से पता चल जाएगा, तो ये हो गया 16 लाख, बाकी माइनस कर देते 55:20, 39,20,000, ये मैंने रिवर्स में माइनस किया इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव लेकिन नहीं आ रहा है। अच्छा टर्नओवर के बाद, टर्नओवर के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000। अच्छा ये कहां पर जाएगा, इसका हमें पॉइंट दे रखा था, इन्वेस्टमेंट कब खरीदा गया है, कब ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, तो बिक क्या है, तो बिकने के पहले इंटरेस्ट मिला होगा, अगर बिक गया तो उसके बाद तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर अगस्त में ही सेल हो गया प्री में जाएगा, क्योंकि ये सितंबर से पोस्ट लग रहा है ना, तो अगर अगस्त में ही सेल हो गया तो ये प्री में जाएगा, तो 60,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पर जाएगा, प्री में, हाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी हम लोग का प्री में चला जाएगा, कितना है 42,000, क्योंकि अगस्त में बिक गया है। और बैड डेट रिकवरी था एक, ठीक है, बैड डेट रिकवरी यहाँ पर दे रखा था, जून का बैड डेट रिकवरी था, ये देखो 36,000 जून का सेल, मतलब बिफोर सितंबर, तो ये भी प्री में जाएगा बैड डेट रिकवरी। फिर लेस कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। अच्छा पहला एक्सपेंस आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 34,50,000, COGS 34,50,000। अच्छा इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सेल्स रेशियो में 20:49, 34,50 डिवाइडेड बाई 69 into 20, तो ये हो जाएगा 10 लाख, पहला आ गया 10 लाख। अच्छा ये अगर 10 लाख होगा माइनस करने से 24,50,000 आ जाएगा, COGS हो गया, उसके बाद आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 77,000, प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी. 77,000 ये आ जाएगा टाइम रेशियो पे. टाइम रेशियो था 11 मंथ्स का, 4:7 करके था. तो 77,000 डिवाइडेड बाय 4 और 7 11 हो गया, इनटू 4 मतलब 28,000. अच्छा ये 7,000 करके 7 × 7 49,000. ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अच्छा मैनेजर सैलरी, इसका वर्किंग नोट बना लिया है हम लोगों ने. मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर सैलरी है टोटल 82,000 था. वर्किंग नोट नंबर देख लेते हैं मैनेजर सैलरी का. रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, मैनेजर्स सैलरी. वर्किंग नोट नंबर 5, 26 और 56. वर्किंग नोट नंबर 5, 26 और 56,000. अच्छा मैनेजर सैलरी. ऑडिट फीस, ऑडिट सिर्फ कंपनी का बोला था तो कहां पर जाएगा? हाँ ऑडिट फीस था, नहीं चेक कर लेते एक बार. ऑडिट फीस कितना था? ये पूरे पीरियड का बता रखा है, ठीक है. ऑडिट फीस पूरे पीरियड का बता रखा है, एक बार डिटेल्स देख लेते क्या बोला है. 41,000 और यहाँ पर बोला है कि ऑडिट ऑडिट कुछ ऑडिट फीस पर्टेन टू द कंपनी. ये तो पूरा कंपनी में ही जाना थी. कंपनी का कितना है ऐसा तो कुछ नहीं बोला है अलग से. ये तो ऑडिट फीस जो है यहाँ पर पर्टेन टू द कंपनी का मतलब होता है कंपनी रिलेटेड, ठीक है. पर्टेन टू द कंपनी का मतलब तो होता है कंपनी रिलेटेड, तो इसका मतलब ये कंपनी में तो जाना चाहिए. हाँ लेकिन एक चीज देखो, लेकिन ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन किया उन लोगों ने ये 41,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बट बोल तो रहा है पर्टेन टू द कंपनी, तो फिर ये सिर्फ कंपनी में ही तो जाना चाहिए. लॉजिकली तो ये कंपनी में ही जाना चाहिए क्योंकि बोला है पर्टेन टू द कंपनी, तो हम लोग कंपनी में ही देते हैं. हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा इनसे, ठीक है, क्योंकि बोला तो नहीं है. ये पोस्ट में ही जाना चाहिए, पर्टेन टू द कंपनी तो पोस्ट में जाएगा ना, कंपनी तो पोस्ट में बना था. अच्छा रेंट बोल रहा है, रेंट का वर्किंग नोट 1,33,000. वर्किंग नोट नंबर 4 था शायद, नहीं वर्किंग नोट नंबर 3 था. 1,05,000 और 28. और 1,05,000, ठीक है. अच्छा रेंट के बाद यहाँ पर बैड डेट्स 33,000. अच्छा ये 33,000 में वो अमाउंट इंक्लूड करना पड़ेगा, वो एक्सक्लूड था 36,000, तो ऐड करो. ठीक है अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टाइम रेशियो में, यानी 4:7 नहीं ये सेल्स में होगा, सॉरी सेल्स में होगा ना, ये हो जाएगा सेल्स में. इसका मुझे लगता है वर्किंग नोट बना लेना चाहिए. सेल्स में 20 और 49 देख लेते कितना होगा. 20,000, हाँ इसमें हो जाएगा 20:49, तो ये हो गया 20,000 और 69,000, 49,000, ठीक है. बैड डेब्ट्स हो गए. अच्छा बैड डेब्ट्स के बाद यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन कितना बोला है, 56,000. तो अंडरराइटिंग कमीशन ये कहाँ पर जाएगा बोलो? अंडरराइटिंग कमीशन ये कहाँ पर जाना चाहिए? ये कंपनी रिलेटेड होता है, पोस्ट में जाएगा, ठीक है. अच्छा उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये दो जगह पे ही जाएगा टाइम रेशियो पे. 71,500
डेप्रिशिएशन 71,500। अच्छा यहाँ पर टाइम टाइम रेशियो है 4:7 मतलब 11। 71,500 डिवाइडेड बाय 11, 6,500 इंटू 4 26,000 और 6,500 इंटू 7 तो ये 45,500 आ रहा है, डिप्रिशिएशन हो गया। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी पोस्ट में जाएगा, कंपनी रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आया, ये आ रहा है 8900 दिया हुआ था 8900, पोस्ट में चला जाएगा, पोस्ट 8900। अच्छा इसके बाद है एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्सपेंसेस 69800 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो ये पोस्ट में जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है ये पोस्ट पीरियड में हुआ था, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाना चाहिए 69800, ये बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये टाइम में जाएगा, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस ये टाइम रेशियो में जाएगा 4:7 में, और एक्सपेंस कितना है 1,06,700। अच्छा 1,06,700 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 4 38,800 माइनस 1,06,700 तो यहाँ पर हो गया 67,900, ठीक है 67,900। और लास्ट बचा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो इसका भी वर्किंग नोट बनाया हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यहाँ पर नहीं होगा, पीछे लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग टोटल अमाउंट है 1,25,000, बेसिस में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर कितना 78,750 और यहाँ पर इंटरेस्ट पर प्री 46,250। और 78,750 पोस्ट, बस और कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है देख लेते हैं कितना होगा। इंडिविजुअली निकाल लेते पहले, ये देखो 16,00,000 माइनस 60,000 माइनस 42,000 माइनस 36,000 10,00,000 10,00,000 के बाद 28,000 मतलब 48,000 26 और 38,800 और माइनस 46,250 2,00,000 आ रहा है, 2,48,950 इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। ये सब मैंने माइनस कर दिया होगा शायद, हाँ ये सब मैंने माइनस कर दिया, ये ऐड होगा यहाँ तक जो भी ये इनकम था। अच्छा सॉरी एक काम करते हैं, प्लस 60,042 ये मैंने माइनस कर दिया, तो एक काम करते हैं हम इसको सही कर लेते हैं, 60,000 ऐड होगा, न्यूट्रल हो गया, फिर से 60,000 ऐड होगा, तुम लोग सही करो हो जाएगा, ठीक है 60,000 42,000 ऐड करना पड़ेगा, फिर से 42,000 ऐड करेंगे 36,000, एक्चुअली ये प्लस होना चाहिए ना, मैंने माइनस कर दिया है तो प्लस करके जीरो में ला रहे, फिर है ये हो गया 5,24,950 ठीक आया, वो मैंने माइनस कर दिया था गलती से, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करके देखो आ जाएगा 5,24,950 हो गया, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, इधर 39,20
39,20,000, अच्छा ये माइनस हो जाएगा 24,50,000, 24,50,000, ठीक है, फिर माइनस 49,56,41, माइनस 1,05,000, ठीक है, अच्छा माइनस 49,000, 56,45,500, 8,900, 69,800, 67,900 और 43,150, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का टोटल आ जाना चाहिए प्लस 524,950, तो 13,68,100, ठीक है, 13,68,100, ठीक है, तो आंसर हम लोग का टैली हो गया. एक्चुअली अगर तुम लोग मैट में सॉल्यूशन देखोगे तो फोर्थ नंबर पे, इसलिए हम बोल रहे थे, देखो आंसर हम लोग का सही हुआ है. इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या किया है, मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअली आंसर हम लोग का सेम आ रहा है, बट इन लोगों ने ऑडिट फीस को देखो डिवाइड किया है, बट ये डिवाइड करने पे तो ऐसा आंसर आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो बिना डिवाइड किया आ रहा है, वो ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि बोला है कि पर्टेन टू कंपनी, तो कंपनी में ही दिखाना चाहिए, ठीक है. तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट था, ठीक है, इसमें और कुछ भी बाकी नहीं है, जितना तरह का क्वेश्चन था हम लोगों ने एटलीस्ट स्टडी मैट का सारा ही कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अच्छा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो कोई भी मुझे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है या फिर कोई कब इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब कर सकता है इन द सेंस कि कब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कोई भी पर्सन कब इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बोलो इन्वेस्टमेंट कोई कब कर सकता है, कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कुछ तो बोलो, तुम लोग कॉमर्स पढ़ते हो कुछ तो पता होगा इन्वेस्टमेंट का मतलब. अगर किसी का नेसेसिटी पे, मतलब नेसेसिटी जो है वो कंप्लीशन के बाद कुछ बचेगा तभी ना वो इन्वेस्टमेंट करेगा. इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बोलो, अगर किसी के पास सरप्लस पैसा रहेगा, ठीक है, किसी के पास अगर सरप्लस कुछ रहेगा मतलब क्या हो सकता है, देखो अर्निंग, एक इंसान अर्निंग कर सकता है, ठीक है, उससे वो अपना एक्सपेंसेस को पे करेगा, उसके बाद अगर उसके पास कुछ रह जाता है सरप्लस बोलो या सेविंग्स बोलो, तो वो पैसा अगर वो सिर्फ ऐसे ही अपने पास रखेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसको अगर कहीं वो इन्वेस्ट कर देगा तो उससे उसको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है. अब इन्वेस्ट भी कर सकता है, देखो नॉर्मली हम लोग बैंक में रख देते हैं, ठीक है, पैसा, नॉर्मल जो एक टेंडेंसी है इंसान का कि वो बैंक में रख देता है सेविंग्स अकाउंट बना के, या फिर अगर कोई चाहे उस किसी के पास ज्यादा है, देखो सेविंग्स में हम लोग पैसा जब चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर एफडी कर दोगे तो उसपे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, सेविंग्स पे तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एफडी कर दोगे वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो एफडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना तो मतलब हम लोग कुछ रिटर्न जनरेट करेंगे ऐसा सोच के, ठीक है, ऐसा सोच के अगर हम लोगों के पास जो सरप्लस पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमें पढ़ना है, ठीक है, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे फॉलो होगा वो पढ़ना है, मतलब हमें करना क्या है, हम लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते, जैसे मान लो किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, ये सरप्लस पैसे से क्या क्या कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, बॉन्ड खरीद सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, डिवेंचर खरीद सकते हो कंपनी का,
ठीक है, और क्या कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, ठीक है, गोल्ड खरीद, गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, और मान लो कि कुछ एसेट खरीद ली, कैसे एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीद के, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ऐसे हम लोग ये सरप्लस पैसे को इतने तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें ये पढ़ना है कि मान लो हमें नॉर्मली किस चीज का इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बोलेगा, शेयर्स का, बॉन्ड का और डिवेंचर का, ठीक है। अब इसका भी हम कैटेगरी बताएंगे, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को क्या अकाउंटिंग सीखना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब, जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, इसका मान लो या शेयर खरीदा है, ठीक है, या फिर मान लो डिवेंचर खरीदा है, कोई भी एक मान लो या दो मान लो, ठीक है, शेयर और डिवेंचर खरीदा है, तो कंपनी कैसे शेयर इशू करती है वो तुम लोग फाउंडेशन, जो लोग पढ़े हो तो फाउंडेशन में देख सकते हो, 11-12 में पढ़े हो, डिवेंचर भी 11-12 में पढ़े हो, 12 में बेसिकली होता है और फाउंडेशन में ये दो होता है। तो कंपनी शेयर इशू करने से अपना कैसे अकाउंटिंग करेगी, डिवेंचर इशू करने से कैसे अकाउंटिंग करेगी, वो हम लोगों ने किया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये मिस्टर ए जो इस कंपनी में अपना पैसा लगा चुके हैं शेयर के थ्रू से या डिवेंचर के थ्रू से, वो अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, वो अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसके लिए, जो पर्सन अपना सरप्लस पैसा शेयर खरीदने में, डिवेंचर खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में लगा रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टर ए अपना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो चीज हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए AS 13 जो है ये फॉलो होता है, ये देखो AS 13 यहाँ पर फॉलो होता है, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ रहेगा, ये देखो AS 13 के हिसाब से हमें सारा चीज पढ़ना है। ये AS भी तुम लोगों का है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे AS के ध्यान से करेंगे। देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम लोग AS फॉलो करते, ये नहीं होता है, हर एक अकाउंट्स में ही तो AS फॉलो होता है। यहाँ पर क्या फॉलो होगा वो हम बता रहे हैं, AS 13 फॉलो होगा। तो हम लोग जो भी जिस तरह से अकाउंटिंग करेंगे पूरा का पूरा इसमें AS 13 का रूल्स को अप्लाई करके ही हम लोग करेंगे और उसी रूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना क्या, हम लोग को ये पढ़ना है कि मिस्टर ए मतलब अगर कोई पर्सन अपना सरप्लस कुछ पैसा रख सकता है तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर हमें 3-4 टॉपिक ही मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, शेयर मिलेगा, डिवेंचर मिलेगा, तो किस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद वो अपना अकाउंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में हमें ये चैप्टर बताएगा कि वो अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये पढ़ना पड़ेगा। नाउ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है कोई इंसान, अगर किसी के पास मतलब खाना अपना, फूड जो है, नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब होने के बाद, एडुकेशन, ठीक है, ये सब के बाद, मतलब जो भी नेसेसिटी है उसके बाद अगर कुछ बचा पाता है तभी ना वो इन्वेस्ट करेगा, जिसका कुछ नहीं बचेगा वो थोड़ी ना बेचारा इन्वेस्ट कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसको बोला जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर हम लोग कोई एसेट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एसेट कोई होल्ड कर रहा है, एंटरप्राइज हो या कोई भी हो, ठीक है, एंटरप्राइज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम या फिर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। तो कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं एसेट के थ्रू से, हम लोग दो तरह से इनकम अर्न कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया, देखो यहाँ पर बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर, तो बताओ डिवेंचर और शेयर का अर्निंग में डिफरेंस क्या है, तुम लोगों ने 11-12 में पढ़ा है फाउंडेशन, जिन लोगों ने, सभी ने फाउंडेशन किया है यहाँ पर, तो मुझे बोलो कि शेयर्स और डिवेंचर में अर्निंग में डिफरेंस क्या है। शेयर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा अर्निंग के हिसाब से, डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो अर्निंग के हिसाब से क्या मिलेगा, ये बताओ। अरे बोलो, सब कोई तो है, शेयर में इन्वेस्ट, शेयर में डिविडेंड और
हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अर्निंग हम लोग एसेट के थ्रू से भी दो तरह से अर्निंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। एक हो जाएगा रेवेन्यू अर्निंग, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का अर्निंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा रेवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर बेसिस पे, एक हो जाएगा कैपिटल नेचर का, ठीक है। ये बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या डिवेंचर से जो इंटरेस्ट मिलता है क्या ये रेवेन्यू नेचर का है, मतलब हमेशा मिलता जाएगा रेगुलर बेसिस पे या फिर कभी कभार मिलेगा, बोलो। डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर तो पढ़े हो, डिवेंचर का इंटरेस्ट का तो एक फिक्स रूल होता है ना कि ईयरली मिलेगा कि मंथली मिलेगा कि सेमी एनुअली मिलेगा। तो रेवेन्यू नेचर का हुआ हमेशा मिलता जाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड भी वही होगा, हर साल मिलेगा, हर साल जो मिलता है वही तो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड किससे मिलता है, डिविडेंड मिलता है शेयर से, ठीक है। अच्छा डिवेंचर और बॉन्ड से क्या मिलेगा, डिवेंचर और बॉन्ड इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो और उसको रेंट पे दे देते हो तो भी एक इनकम हो सकता है, दैट इज रेंटल इनकम, ठीक है। तो उसमें हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको रेंट पे दे देते हो, समझो, तब वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, क्योंकि रेंट तो रेवेन्यू नेचर का है, रेंटल इनकम हो जाएगा, ठीक है, रेंटल इनकम हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो वहां से हम लोग रेवेन्यू नेचर का एक अर्निंग कर सकते हैं कि हाँ हमें एक इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, हम लोगों ने डिवेंचर या बॉन्ड खरीद रखा है, हम लोगों को डिविडेंड मिलता जा रहा है, हम लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया है, हम लोग एक घर खरीद के उसको रेंट पे लगा दिया, हमें रेंटल इनकम मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। नाउ कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल नेचर का मतलब होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कैसे हो सकता है बोल सकते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब हमेशा नहीं मिलेगा, एट ए टाइम मिलेगा, बोलो। जैसे तुम लोग टैक्स में कैपिटल गेन पढ़ते हो ना, उसी कंसेप्ट का, बोलो ये कब हो सकता है कि हम लोगों ने पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा था, उससे हम लोगों ने कैपिटल नेचर का एसेट खरीद लिया, और उससे मतलब हम लोगों ने ऐसा एसेट खरीदा जिससे हमारा अर्निंग कैपिटल नेचर का होगा, मतलब वन टाइम होगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ने को बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे मान लो एक लैंड खरीद लिया, ठीक है, एक लैंड मान लो आज खरीद लिया है 20 लाख का, हो सकता है वो 10 साल बाद 40 लाख हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, लैंड का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। या फिर लैंड का ही यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक जमीन खरीदते हैं उसके बाद उसको बेच देते हैं 10 साल 15 साल बाद, तो उससे हमें रेगुलर इनकम नहीं हुआ कि हम लोग रेवेन्यू नेचर का बोलेंगे, लेकिन हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ के हो गया है 20 लाख 30 लाख, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कहाँ पर हम लोगों ने जमीन खरीदा है, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो देखो दो चीज में डिफरेंस देखो, अब तुम लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो ये भी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये भी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, सही बात है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ही है, लेकिन हम लोगों का पर्पस क्या है, हम लोग एक लैंड खरीद के उसे फ्यूचर में बेचेंगे ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग खरीद के हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग खरीद के हम लोग उसको रेंट पे लगा दे रहे हैं, और मान लो बिल्डिंग खरीद के हम लोग रख देते हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीद के हम लोग रख देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो जाता है। देखो अलग अलग नेचर हो सकता है, जैसे हम लोग आज एक बिल्डिंग खरीद लिए, ठीक है, बिल्डिंग खरीद के उसको अगर रेंट पे लगा सकते हैं, हमारे पास पहला ये एक ऑप्शन हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसे अगर रीसेल कर दे वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग उसको रख देते हैं फ्यूचर में, मान लो उसको हम लोग बेच देंगे, ठीक है, फ्यूचर में मान लो उसको हम लोग बेच देंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये फिक्स्ड एसेट रख देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के हिसाब से रख देते हैं, तो देखो अगर हम लोग बिल्डिंग खरीद के रेंट पे लगा देते हैं वो एक ऑप्शन होता है, उससे हमारा रेवेन्यू इनकम होगा। बिल्डिंग खरीद के अगर हम लोग बेच देते हैं तो वो हमारा करेंट एसेट हो जाएगा, है ना, और बिल्डिंग को अगर खरीद के रख दिया है, हम लोग खुद यूज कर रहे हैं या फिर रख दिया है, वो हमारा फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम लोग जिस पर्पस पे यूज करेंगे वो चीज का नेचर वैसा हो जाएगा। बिल्डिंग को खरीद के रेंट पे लगाने से
वो रेवेन्यू नेचर का अर्निंग हमें देना स्टार्ट करेगा। लेकिन बिल्डिंग वैसे फिक्स्ड एसेट ही है, हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदा लेकिन पर्पस क्या है, अगर रेंट पे लगा रहे तो रेवेन्यू नेचर का अर्निंग देगा, अगर उसको खुद यूज कर रहे तो वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने अपने सरप्लस इनकम से बिल्डिंग खरीद लिया और अगर उसको फ्यूचर में बेचेंगे, वैसे बिल्डिंग का वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ टाइम वैल्यू मनी के लिए बिल्डिंग का वैल्यू क्या होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ता है, सोच सकते हो। जैसे मान लो जमीन जो लैंड होता है उसका हमेशा जो है वैल्यू बढ़ता रहता है, क्योंकि जो बेयर लैंड होता है मतलब जहां पर कुछ बना हुआ नहीं उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह का वैल्यू क्या होता है कम होता है, ठीक है, कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज, डेप्रिसिएशन की वजह से वो कम हो जाता है, लेकिन टाइम वैल्यू मनी के लिए वो हमें दिखता है कि उतना ही प्राइजेस है, ठीक है, उतना ही प्राइजेस है। मतलब जैसे मान लो एक बिल्डिंग अगर 20 लाख का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब कुछ मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा वो बिल्डिंग तो पुराना होगा, उसका वैल्यू कमेगा, लेकिन क्योंकि टाइम वैल्यू मनी भी तो एक फैक्टर है, तो आज 20 लाख का वैल्यू आगे जाके जो है वो तो वैसे ही ज्यादा दिखेगा, ठीक है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ कि नहीं, वैसे बिल्डिंग का वैल्यू क्या होता है, कम ही होना चाहिए ना, क्योंकि डेप्रिशिएट होता है। मतलब लैंड के जैसे तो नहीं होगा, लैंड का हमेशा एप्रिसिएशन होगा, बिल्डिंग का तो डेप्रिसिएशन ही होता है, एप्रिसिएशन तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट जो कोई होल्ड करके रखा है, जिससे हमें रेवेन्यू नेचर का इनकम आ सकता है, कैपिटल नेचर का इनकम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग देखेंगे, कितने तरह से इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है, ये भी तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो, कितने दिन होल्ड करने से लॉन्ग टर्म और कितने दिन होल्ड करने से शॉर्ट टर्म, है ना। तो यहां पर बेसिकली दो तरह से हम लोग देखेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, यानी करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर लिखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म और यहां पर हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने दिन होल्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर पीरियड कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन इक्वल टू वन ईयर, ठीक है, वन ईयर या फिर वन ईयर से कम पीरियड के लिए अगर हम लोग होल्ड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए। मान लो एक शेयर खरीदा लेकिन उसे 12 मंथ्स होल्ड किया या वन ईयर होल्ड किया या 10 मंथ्स होल्ड किया तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसी शेयर को अगर हम लोग मोर देन वन ईयर के लिए होल्ड करेंगे तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म। अब ये सिर्फ शेयर के लिए नहीं है, हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए है। और इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट इतने तरह से यहाँ पर क्लासिफाई होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू वन ईयर, ठीक है, वन ईयर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यूएशन कैसे करते, एक बार लिख के रखो, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। Valued at lower of cost or market value or fair value, market value or fair value, ठीक है। मतलब अगर हमें बोले कि वैल्यू करो, तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू करो, तो कैसे करेंगे, वैल्यू करना पड़ेगा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू में जो लोअर होगा उसी पे हमें वैल्यू करना पड़ेगा। और ये कैसे वैल्यू होगा, ये हो जाएगा वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन यहां पर एक पॉइंट टू बी नोटेड है, unless there is permanent decline, ठीक है, बोल रहा है कि कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा,
अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। अगर इसमें उस एसेट में, उस इन्वेस्टमेंट में कोई डिक्लाइन नहीं है, मतलब उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा है, तब ये डिटेल्स में हम लोग करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो डिटेल्स में करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि होल्डिंग के हिसाब से दो तरह का हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन वन ईयर का होल्डिंग, और शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन वन ईयर का होल्डिंग। शॉर्ट टर्म होने से कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म होने पर कॉस्ट में वैल्यू एट कॉस्ट, लेकिन मार्केट जो प्राइस है वो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए परमानेंटली, ठीक है, अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। अगर परमानेंट डिक्लाइन नहीं हो रहा है देन कॉस्ट पे वैल्यू होगा, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम बेसिस पे कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है वो तुम लोग देख ही रहे हो कितने तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग पॉइंट बेसिस पे लिखेंगे। हम लोग रेवेन्यू या फिर इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम, ठीक है। फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम, फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम, ठीक है। ये एसेट के हिसाब से क्लासिफाई, एसेट जो हम लोग होल्ड करेंगे उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम बेसिस पे कितने तरह से क्लासिफाई हो सकता है, ये था कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम बेसिस पे दो तरह से, इन्वेस्टमेंट से हमें एक फिक्स्ड इनकम आ सकता है, हमें वेरिएबल इनकम भी आ सकता है। फिक्स्ड इनकम यहाँ पर लिखो बियरिंग स्क्रिप्ट एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, जैसे कि डिवेंचर और बॉन्ड, डिवेंचर्स बॉन्ड। ये क्यों फिक्स्ड इनकम हो गया, क्योंकि देखो डिवेंचर याद है तुम लोगों को, डिवेंचर क्या होता है, जिसपे हम लोगों का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, पहले से ही बता देता है। बॉन्ड भी वही नेचर का होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, हमें जो इंटरेस्ट रेट बता दिया वही मिलेगा, उससे ज्यादा कम नहीं मिल सकता, इसीलिए फिक्स्ड इनकम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल इनकम में लिखेंगे वेरिएबल इनकम बियरिंग क्रिप्स और सिक्योरिटीज इसमें हो जाएगा इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स से इनकम हमारा वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि कंपनी हर बार अलग अलग रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है, जैसे कंपनी का होता है अर्निंग उस हिसाब से कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो अगर हम लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो हमारा जो अर्निंग है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग डिवेंचर बॉन्ड या फिर और एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इस तरह के किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम लोगों का फिक्स्ड इनकम आएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लोगों का फिक्स्ड इनकम नहीं होगा, इक्विटी शेयर वगैरह में हमारा वेरिएबल इनकम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आज ये वाला, मतलब पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, हमारा दो ही पॉइंट पढ़ना है, मैंने पहले भी बोला था हम लोग को यहाँ पर ये चीज पढ़ना है शेयर और बॉन्ड और डिवेंचर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग शेयर और डिवेंचर ये सब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली एक पर्सन अगर अपना इनकम, सरप्लस इनकम को इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम के लिए या वेरिएबल इनकम के लिए, तो वो अपना अकाउंटिंग कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फिक्स्ड वाला पढ़ेंगे, तो फिक्स्ड वाले के लिए यहाँ पर एंट्रीज लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या एंट्रीज हो सकता है। तो यहां पर हेडिंग करते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग क्रिप्स और सिक्योरिटीज जर्नल एंट्रीज, क्या क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बोलो इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री क्या होता है, बता सकते हो इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री क्या होता है,
अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड करेंगे जिसको समझा देंगे कि क्यों यहाँ पर हो रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है ये बता देंगे, ठीक है, अभी तो नहीं समझ में आएगा जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेस, तो पहले इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला, यानी डिवेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा परचेस कर लिया इन्वेस्टमेंट, अब क्या हो जाएगा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उसी के लिए तो परचेस किया था, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट करने का एंट्री क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट रिसिप करने का एंट्री क्या होगा, जो आता है वही बोलो, इंटरेस्ट रिसिप करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ये इंटरेस्ट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, मतलब देखो सिंपल क्या हो सकता है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा उससे अर्निंग किया उसके बाद हम लोग उसको बेच सकते हैं अगर चाहे तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बेचने से क्या एंट्री होगा, परचेस का उल्टा होगा, बेचने से क्या होगा परचेस का उल्टा होगा, तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और एक लाइन गैप देके टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट। अब ये फिर से क्यों आया, ये मैंने इसीलिए अलग कलर से हम लिख रहे हैं, ये हम समझाएंगे, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट यहां पर हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सेल। अब अगर इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कोई भी चीज सेल या परचेस करने पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे पास किया जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएल क्रेडिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएल क्रेडिट होगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और अगर लॉस हुआ तो यहां पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये पीएल में ट्रांसफर वाला एंट्री, इसीलिए ऐसे होगा, तो ये हो गया हम लोग का, अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरह से, लॉस हुआ तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखना है, ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखवा देते हैं, नोट वन, इंटरेस्ट इज always calculated on face value, ठीक है, face value पे interest calculate होगा। Second note, investment can be purchased as, ये बताएंगे, x interest और term interest, ठीक है, x interest का मतलब excluding इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं,
इंक्लूडिंग या फिर क्यूमुलेट, क्यूमुलेट मतलब भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, और नेक्स्ट नोट नंबर थ्री, इसमें लिखना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट अगर कम इंटरेस्ट है तो लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस कर देने से आ जाएगा परचेज कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट वाला, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला। ये करेंगे तो समझ जाएंगे, पहले लिखवा देते एक बार, फिर यहां पर ऐड हो जाएगा ब्रोकरेज कमीशन स्टैंप ड्यूटी। अच्छा, और लास्ट एक नोट, नोट नंबर फोर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज कमीशन स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा व्हेन परचेज देन एट व्हेन sale, then less, ठीक है, तो बेसिकली परचेज में प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, एंड सेल में लेस हो जाएगा, ठीक है, ये याद क्या रखना है, ये अभी समझाएंगे तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देखो क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर फिर से टाइमलाइन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ईयर लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से मान लो 31 मार्च तक का एक ईयर है, ठीक है, कंपनी, एक कंपनी का, और ये कंपनी जो है इसने डिवेंचर इशू किया है, जो डिवेंचर कोई खरीदेगा, ठीक है, और इनका इंटरेस्ट देने का सिस्टम क्या है, इंटरेस्ट देने का सिस्टम है, यहाँ पर एक बार इंटरेस्ट दिया जाता है 31 मार्च को, और एक बार इंटरेस्ट दिया जाता है 30th सितंबर को, ठीक है, ये दो डेट क्या निकल के आया, इंटरेस्ट का डेट, ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट देती है, और डिवेंचर कितने का है, डिवेंचर है सपोज 9% ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड जिसका फेस वैल्यू है 100, ठीक है, फेस वैल्यू है 100, अब कौन खरीदेगा, मान लो मिस्टर ए खरीद रहा है, ठीक है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए, ठीक है, इनको खरीदना है डिवेंचर, ये एक्स लिमिटेड कंपनी का डिवेंचर खरीदना है, मिस्टर ए के पास सरप्लस पैसा है, ठीक है, मिस्टर ए के पास है सरप्लस पैसा, वो चाहते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी में जो डिवेंचर इशू कर रखा है ये वो खरीदे, ठीक है, ये वो खरीदे, ठीक है, अब अगर खरीद रहे हैं, मान लो कि वो खरीद रहे हैं, डेट देखो यहां पर, सपोज ये खरीद रहे हैं फर्स्ट ऑफ मई में, ठीक है, ये खरीद रहे हैं फर्स्ट ऑफ मई में, परचेस कर रहे हैं, किसने परचेस किया, मिस्टर ए ने परचेस किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ मई में मिस्टर ए ने परचेस कर लिया है एक्स लिमिटेड कंपनी का डिवेंचर, ठीक है, अब ये किससे परचेस किया है, देखो अब मार्केट में क्या होता है, सेल परचेस चलता जाता है, तो एक जन सेल करता है तो एक जन परचेस कर लेता है, ठीक है, टोटल में तो कोई चेंज नहीं होता, जैसे शेयर्स में भी रोज शेयर्स बाई सेल होते रहते, तो कोई खरीद रहा है,
कोई बेच रहा है, ठीक है, तो जो बेच दे रहा है दूसरे लोग वही वाला खरीद रहे हैं, इसी तरह से होता है क्योंकि टोटल अमाउंट में तो चेंजेस नहीं होता है। अब मान लो मिस्टर ए ने जो ये खरीदा है डिबेंचर 1st of May को, ये मान लो खरीदा है मिस्टर बी से, ठीक है, ये किससे खरीदा है, परचेस किया है मिस्टर बी से परचेस किया है, ठीक है, इतने दिन मिस्टर बी ने होल्ड कर रखा था, तो मिस्टर ए ने परचेस कर लिया है मिस्टर बी से। अब मुझे एक चीज बताओ कि कितना सारा परचेस किया, चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, परचेस किया है 5000 डिवेंचर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 95 करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ 95 करके। तो एक चीज बताओ कि यहाँ पर जब वो खरीद रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जब वो खरीद रहे हैं डिवेंचर, तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा मिस्टर बी को, पहले ये बताओ, मिस्टर ए मिस्टर बी को कितना पेमेंट करेंगे ये डिवेंचर खरीदने के लिए, बताओ। 5000 डिवेंचर खरीद रहे हैं 95 करके, तब जाके ये पूरा चीज क्लियर होगा, अभी ये ध्यान से सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चैप्टर ही नहीं कर पाओगे। 4,75,000, तो मिस्टर ए ने अपने पास से मिस्टर बी को दे दिया है 4,75,000, ठीक है, 4,75,000, ठीक है, 4,75,000, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही इंटरेस्ट का डेट आएगा, कंपनी का अपना पॉलिसी क्या है, कंपनी जब जब इंटरेस्ट का डेट आएगी तब तब इंटरेस्ट उन लोगों को दे देगी जिनके पास उनका डिबेंचर होगा। अब यहां पर खरीदने के बाद इंटरेस्ट का टाइम आ रहा है 30th September को, अब बोलो डिबेंचर किसके पास है, बोलो डिबेंचर किसके पास है, मिस्टर ए के पास। तो यहाँ पर मिस्टर ए को ही मिलना चाहिए, मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, किससे मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। अब कंपनी कितने दिन का इंटरेस्ट देगी, क्योंकि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, ठीक है, एक बार 30th September को, एक बार 31st March को। तो जब 30th September आया तो कंपनी कितने दिन का इंटरेस्ट दे रही है, मतलब कितने मंथ का इंटरेस्ट दे रही है इस साल में, अगर ईयर उनका ऐसे चलता 6 महीने का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। और मिस्टर ए ने ये डिवेंचर कितने दिन होल्ड किया, यहां से लेके यहां तक बताओ कितने दिन होल्ड किया, मई से लेके सितंबर कितना होता है, मई जून जुलाई अगस्त, 5 months। तो क्या ये सही हुआ, उनको 6 months का इंटरेस्ट मिल गया, क्यों मिल गया, क्योंकि कंपनी बोलती है किसके पास डिबेंचर है दिखाओ, मिस्टर ए अपना हैंड रेस करके बोल रहा है मेरे पास है, देखिए मेरे पास है, तो कंपनी बोल रही है ले जाओ इंटरेस्ट लेके चले जाओ। तो मिस्टर ए तो खुश, उसने होल्ड किया 5 महीना और उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, ये तो गलत बात है, क्यों बोलो, 5 महीना उसने क्यों होल्ड किया, क्योंकि उसने खरीदा था मिस्टर बी से, तो 1 महीना तो किसके पास था, इसके पहले 1 month किसके पास था, 1 month कौन ओनर था इसका, मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी ओनर था। अब मिस्टर बी को तो प्रॉब्लम होगा ना, और मिस्टर ए तो खुश हो जाएगा कि मुझे 6 months का इंटरेस्ट मिल गया, जबकि मैंने तो 5 months होल्ड किया था, ठीक है, मैंने 5 months होल्ड किया, मुझे 6 months का इंटरेस्ट मिला, तो ऐसा नहीं होता है। इसका सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, मिस्टर बी बोलेगा मुझे 4,75,000 दे दो, वो तो डिवेंचर का कॉस्ट है, लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट देते हुए जाओ, 1 महीने का इंटरेस्ट मुझे दे दो, ये कौन बोल रहा है, मिस्टर बी बोल रहा है। तो मिस्टर ए बोलेगा क्यों, क्योंकि फिर मिस्टर बी समझा देगा, देखो भाई कंपनी तुम्हें 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, तो तुम्हारा तो लॉजिक बनता है 5 महीने का, तो तुम मुझे अभी 1 महीने का इंटरेस्ट दे के खरीदो अपना इन्वेस्टमेंट, और तुम्हें लॉजिकली फिर 5 months का ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब देखो, कंपनी जब इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, 5000 डिवेंचर पे फेस वैल्यू पे होता है 100 रुपए करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर 9% लगा रखा है, इंटू 6/12, बताओ कंपनी कितना इंटरेस्ट दे रही है मिस्टर ए को, कैलकुलेट करके बताओ कितना इंटरेस्ट दे रही है, बता दो एक बार कितना होता है, 5000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 22,500 ना, 22,500, ठीक है, ये मिल जाएगा मिस्टर ए को। लेकिन मिस्टर ए को कितना मिलना चाहिए, ये 6 months का है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट दे के जाओ, तो इंटरेस्ट जब दे के जाएगा तो कितना देगा, 5000 पे 100 रुपीज करके 9% करके 1 month का, तो बताओ कितना हो जाता है 1 month का, ये
3750 अब 22,500 छह महीने का है, एक एक महीने का सोच के देखो कितना होता है, डिवाइड करने से पता चल जाएगा ना, इंटरेस्ट पर मंथ भी देख लो एक बार, 3750 तो देखो लॉजिकली सही हुआ, 3750 पहले दे देगा खरीदते वक्त और 22,500 से कंपनी देगी, तो बेसिकली उसका 3750 उसने पहले दिया, तो मिस्टर ए का रिसीव 22,500 एक्चुअली में तो नहीं हुआ, 22,500 से मिला है, लेकिन उसने इसके बिहाफ में मिस्टर बी को 3750 ऑलरेडी दे रखा है, तो उसका एक्चुअली रिसिप्ट कितना हुआ बोल सकते हो, उसका एक्चुअली रिसिप्ट कितना हुआ? मेरा पॉइंट ये है 18,000, तो हाँ इनका इनकम एक्चुअली कितना हुआ, एक्चुअली हुआ है 18,750 और यही होना चाहिए, ये पांच महीने का, इस पे पांच इंटू करके देख लो, 3750 पे पांच मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही होगा, तो जितना इनकम मिलना चाहिए उतना ही इनकम मिला, मतलब सीधा लॉजिक है कि मतलब नाइंसाफी नहीं होगा, ठीक है? अगर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कंपनी देगी, कंपनी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगी, मार्केट में इतने लोग खरीद रहे बेच रहे, अब कंपनी सबके पीछे पड़ेगी तो हो गया, वो अपना काम कब करेगी, कंपनी बोलेगी जो होल्डर है हम उसे इंटरेस्ट दे देंगे 6 मंथ्स का, बाकी आप लोग आपस में जो है अपना एक्सचेंज कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर समझो बैंक अकाउंट ये जो मैंने लिखा था, जब मिस्टर ए इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं तो वो कैसे एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अमाउंट दे देंगे 4,750, ये देखो ये वाला अमाउंट 4,75,000 और इंटरेस्ट दे के खरीदेंगे, इंटरेस्ट कितना है 3750, ये देखो ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा 3750, तो 4,75,000 प्लस 3750 तो ये हो गया 4,78,750, इतना पैसा दे के उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया था, जो कि तुम लोग को नहीं पता था पहले, इसीलिए मैंने बता दिया कि क्यों इंटरेस्ट डेबिट हुआ, आई होप कि क्लियर है कि क्यों इंटरेस्ट डेबिट हुआ। अब इंटरेस्ट रिसीव होगा, अब इंटरेस्ट रिसीव होगा जो कि हो भी गया। अब इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकता है, मिस्टर ए जो है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं जैसे मिस्टर बी ने बेचा था, ठीक है? जस्ट लाइक दैट वो भी बेच सकते हैं, मान लो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया यहाँ पर, कोई एक पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर ले लेते हैं 1st of Feb, ठीक है? 1st of Feb में सेल कर दिया यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर है मिस्टर सी, मिस्टर सी को सेल कर दिया, अब सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया था, अब जब इसके बाद कंपनी कब इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी, 31 मार्च को, अब जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट कौन लेगा बता सकते हो, 31 मार्च को जब इंटरेस्ट देगी कंपनी, अगर मिस्टर ए ने अपना इन्वेस्टमेंट यानी डिवेंचर वो 500 जो उन्होंने मिस्टर बी से खरीदा था वो बेच दिया मिस्टर सी को, तो 31 मार्च को कंपनी किसे इंटरेस्ट देगी, बोलो? मिस्टर सी को, मिस्टर सी को इंटरेस्ट देगी। मिस्टर सी को कितने दिन का इंटरेस्ट देगी, कंपनी का पूछ रहे, कंपनी कितने दिन का इंटरेस्ट देगी, कंपनी अपना कितने दिन का देगी, 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देगी, ठीक है? और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, फिर से वही 22,500 आ जाएगा, 5,000 और ये हो गया 9% इंटू 6/12, तो ये हो गया 22,500, ये इंटरेस्ट इसको मिलेगा, लेकिन इसको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसने कितना दिन होल्ड किया था, फेब से लेके मार्च तक कितना दिन होल्ड किया मिस्टर सी को, एक्चुअली 2 मंथ, फेब टू मार्च 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है 6 मंथ्स का, तो ये नाइंसाफी नहीं होगा क्योंकि मिस्टर सी जब खरीद रहे हैं उनको मिस्टर ए को इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा, कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, सितंबर से लेके फेब तक का, हाँ 4 मंथ्स, मतलब अक्टूबर सितंबर का तो उनके पास ही रिसिप्ट था मिस्टर ए के पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 4 मंथ्स का, ठीक है? 4 मंथ्स का इंटरेस्ट दे के खरीदेंगे, मतलब मिस्टर ए जब अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, अब जितने में बेचेंगे, मान लो वो बेच रहे हैं एट द रेट ऑफ 103 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 × 103 करके बेच देते हैं, तो 5,000 × 103 तो ये हो गया 5,15,000, ये तो मिलेगा ही उनको, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 × 100 × 9% ×
फोर बाय ट्वेल्व, इतने मंथ का वो इंटरेस्ट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? $15,000, इसीलिए देखो जब सेल हो रहा है तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 15,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। अब बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? इन्होंने खरीदा कितने में था? इन्होंने खरीदा था देखो 95 करके, है ना, इन्होंने जब खरीदा था 95 करके खरीदा था, और जब बेच रहे हैं तो 103 करके, तो प्रॉफिट है या लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये देखो सिंपल इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट है कि लॉस। ये देखो कॉस्ट, कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हम मिस्टर ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने खरीदा था कितने में? 4,75,000 में। कितना डिवेंचर खरीदा था? 5,000, ठीक है, और इसी इसमें से कितना डिवेंचर बेच दिया? 5,000 ही बेच दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, कॉस्ट तो हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये तो हमें पता ही है 4,75,000, और सेल उसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया हम लोगों ने 5,15,000 पे, तो प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है माइनस करने से पता चल जाएगा, 5,15,000 माइनस 4,75,000, तो यहाँ पर हो गया 40,000, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट को ऐसे बुक कर लेना है इन्वेस्टमेंट टू पीएल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू पीएल बोल के हम लोगों को प्रॉफिट को बुक करना है। अब देखो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे हम लोगों ने किया 100 करके, ठीक है, 100 करके इन्वेस्टमेंट जो है, अच्छा 100 कम इंटरेस्ट, ये वाले पॉइंट में आएंगे। पहले इतना समझ लेना है हमें क्यों एंट्री में सेल और परचेस के टाइम पे टू इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट होता है, सॉरी हाँ टू इंटरेस्ट और मतलब इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों होता है, ये हम लोगों ने पहले देख लिया। क्योंकि जब भी हम लोग खरीदेंगे तो इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ेगा, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो इंटरेस्ट लेके ही सेल करेंगे, अगर उस तरह के डेट पे होता है। जैसे मान लो अगर ये सेल मिस्टर सी को सेल अगर 30th September को ही होता तो क्या मिस्टर सी को इंटरेस्ट देके खरीदना पड़ता? मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर ये सेल 1st February नहीं होके ये सेल 30th September को होता तो क्या मिस्टर सी को इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ता या फिर ऐसे ही खरीद लेते? बताओ, लॉजिकली सोच के देखो, 30th September को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट मिस्टर ए को मिला, अब मिस्टर ए उसके बाद सोच रहे मुझे बेच देना है, अब मिस्टर ए बेचने वाले हैं, मान लो 1st October को बेचा है, तो क्या मिस्टर सी को, मिस्टर ए को कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा खरीदने के लिए? सोच के देखो, क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो तब नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तब देना पड़ता है ना अगर ड्यू होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ये कंडीशन ऑकर करेगा ही, लेकिन तुम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें ये कंडीशन ऑकर करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जिस दिन इंटरेस्ट मिला उसी दिन सेलर सेल कर रहा है, परचेजर बाय कर रहा है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप की समझ में आया। अब हम लोग एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट पे आते हैं। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्या होता है? देखो एक्स इंटरेस्ट का मतलब है, देख सकते हो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग या क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है देखो, जैसे मैंने यहां पर प्राइस जो बोला था, ये देखो मैंने यहां पर जो प्राइस बोला था, ये देखो यहां पर बोला था 95 और उसके पीछे मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं 5,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 95 कम इंटरेस्ट, ठीक है, कम इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर एक्स इंटरेस्ट, तो पहले कम इंटरेस्ट समझो। अगर हम लोग बोल देते कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब ये इंटरेस्ट के साथ है प्राइस, ये इंटरेस्ट के साथ है, तब कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो तब परचेस प्राइस ऐसे हो जाएगा, परचेस प्राइस 5,000 इंटू 95, तो ये कितना हो जाएगा? जितना आया था पहले, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 5,000 इंटू 95 4,75,000, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितने दिन का कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि मिस्टर ए परचेस कर रहे तो वो 1 month का इंटरेस्ट दे के परचेस कर रहे, तो इसमें कितना इंटरेस्ट, मतलब एक्चुअली 95 कम इंटरेस्ट का मतलब है मिस्टर बी ने जो रेट बताया है डिवेंचर का उसमें इंटरेस्ट का पैसा जोड़ के बताया है एक एक डिवेंचर पे, उसमें इंटरेस्ट का पैसा जोड़ के बताया एक एक डिवेंचर पे, तो हम लोग को उसको अलग करना पड़ेगा क्योंकि एंट्री अलग दिखाना पड़ेगा
का, इंटरेस्ट का अलग और सिर्फ डिवेंचर का अलग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 9% रेट पे, पहले 100 तो कर ले इसको, ये नंबर है, इंटू फेस वैल्यू इंटू 9% इंटू 1/12, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, 3750 ही आएगा। एंट्री लिखने से पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या हो रहा है, 3750 लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4,71,250। अब एंट्री कैसे होगा, एंट्री इस तरह से होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तब एंट्री कुछ इस तरह से होगा कि टोटल बैंक में चला जाएगा 4,75,000, इंटरेस्ट का कितना पे किया गया 3750 और इन्वेस्टमेंट का कितना पे हुआ 4,71,250। अगर ये कम इंटरेस्ट बता देता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट को लेस कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं बताता है तो हम लोग इसको मानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, मतलब एक्स इंटरेस्ट है, और एक्स इंटरेस्ट होने पर हम लोग का एंट्री क्या हुआ था। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ 95 बता दे जैसे मैंने किया है, या फिर 95 एक्स इंटरेस्ट बता दे, क्वेश्चन जब नहीं कुछ बताता है तो ऑलवेज एज्यूम कि एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, ये लिखवा देंगे। तो ऐसे होगा एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री तो सेम ही रहेगा, वैल्यू पुट करने का तरीका देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तब कैसे एंट्री होगा। अगर 95 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ बताया गया है तो 4,75,000 मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 3750 और टोटल हम लोगों ने इसका मतलब कितना पे किया है, टोटल हम लोगों ने पे किया है 4,75,000 प्लस 3750, ये हो जाएगा 4,78,750। ये तब एंट्री का डिफरेंस इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ और ये हो गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ, मतलब कम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये मत सोचो कि यहाँ कम, यहाँ ज्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ, बात वो नहीं है। अगर 95 इंटरेस्ट के साथ है तो वैसे ही प्राइस कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर वैल्यू कम आया। तुम लोग ये देखो कि एंट्री कैसे पोस्ट होता है, एंट्री लॉजिकली सोचो कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 95 अगर हमें इंटरेस्ट के साथ प्राइस बता दिया है तो 4,75,000 with interest पे कर रहे, तो interest के बिना कितना है 4,71,250 जो मेरा investment का price है, और interest मेरा 3,750 total इतना पड़ रहा है। और अगर यही same debenture जो है हमें अगर बता दे कि 95 x interest, तो हम लोग कैसे calculate करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4,75,000 हो जाएगा और इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितना, इंटरेस्ट दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, तो एक्सक्लूड करो, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो उतना ही लिख दो, टू बैंक हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब, इन्वेस्टमेंट परचेस कर सकते हैं एक्स इंटरेस्ट के साथ भी, कम इंटरेस्ट के साथ भी, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परचेस कॉस्ट कम इंटरेस्ट के साथ अगर है तो इंटरेस्ट लेस करो जितना आया, फिर उस पे ब्रोकरेज कमीशन स्टैंप ड्यूटी ये सब हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया था कि ये सब परचेस के टाइम पे ऐड और सेल के टाइम पे लेस होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो प्रैक्टिकली आजकल ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली सेल के टाइम पे ही इम्पैक्ट आता है, ठीक है, हमारे पास जो है हम लोग वही देखेंगे कि जब हम लोग मान लो कि डिवेंचर परचेस कर रहे हैं तो कोई ब्रोकर कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग डिवेंचर परचेस कर रहे हैं तो हमें क्या पे करना पड़ सकता है, डिवेंचर के प्राइस के साथ साथ हमें एडिशनली पे करना पड़ सकता है स्टैम्प ड्यूटी, एडिशनली पे करना पड़ सकता है ब्रोकरेज कमीशन। तो मान लो 100 रुपीज का डिवेंचर था, उस पे 2 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लग गया, 1 रुपए का ब्रोकरेज लग गया, और मान लो 3 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लग गया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर डिवेंचर का प्राइस जो हो गया 100 और यहाँ पर 106, ठीक है, और ये हो गया परचेस टाइम पे। अब मान लो डिवेंचर करना चाहते हैं सेल, अब सेल करेंगे तो मान लो सेल करके हमें 100 रुपीज मिलने वाला था, सेल करके हमें 100 रुपीज मिलने वाला था, लेकिन फिर से ब्रोकर कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज किए तो वो लोग बोल रहे हैं आप बेचो, आपका बेच के जो 100 रुपीज आएगा
उस पे आप जब भी बेचोगे आप हमें स्टैम्प ड्यूटी दो, आप हमें ब्रोकरेज दो, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लो सेल करके हमारे पास 100 रुपीज आया, लेकिन इनका एक्सपेंसेस हमें देना पड़ेगा, मान लो वही है 2, 1 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2, 1 और 3 इसका मतलब कितना हो जाएगा, फिर से वही 6 रुपीज, यानी बेच के 100 रुपीज आया, लेकिन अगर 6 रुपीज किसी और को देना पड़े हमें, ठीक है, एज ए ब्रोकरेज, एज ए स्टैम्प ड्यूटी, एज ए एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब होता है, तो हम लोग का सेल करके इतना रुपीस मिलेगा। इसीलिए परचेस करते वक्त एडिशनल खर्चा ऐड होता है, क्योंकि हमारा परचेस प्राइस बढ़ जाता है। जैसे मान लो कोई एसेट घर पे खरीद के लेके आ रहे हो तो कैरी करके लेके आए तो कैरेज ऐड होता है ना, उसी तरह से वैसे ही परचेस कर रहे हो तो उसमें ब्रोकरेज दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो, एसटीटी दे रहे हो, तो ये सब ऐड होके प्राइस बढ़ गया। और जब बेच रहे हो तो अगर बेच रहे हो खुद से नहीं बेच रहे, हम लोग किसी का प्लेटफॉर्म यूज करके बेचते हैं, और कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होता है, तो हमें टैक्स देना पड़ सकता है, एसटीटी बोलते हैं जिसे, ठीक है, हमें क्या बोलते हैं उसे, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा सेल का वैल्यू जो होना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो 94 रुपीस हो गया। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखवाया है, देखो कि ऐड होगा जब परचेस करोगे, सेल होगा जब लेस करोगे, जब जब इन्वेस्टमेंट परचेस सेल करोगे, अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज और इस तरह का इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो इसका ध्यान हमेशा रखना है हम लोग को, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तब गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें किस तरह से करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं, देखो तुम लोग को ये वाला इलास्ट्रेशन 1 ये वाला करवाते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है तो हमें याद भी रखना पड़ेगा ना इतना सारा चीज। तो देखो क्या बोल रहा है, इन 2001 मेसर्स वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड अप डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो एक कंपनी है जिसने 12% डिवेंचर इशू किया है 100 रुपए वाला, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है 30th September और 31st March एवरी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 12% डिवेंचर है 100 रुपीज वाला, 30th September और 31st March को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लगभग मेरे मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी डेट के तरह है, यहाँ पर हो गया 31st March, ठीक है, 31st March इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा अब यहाँ पर 12% है, डिवेंचर का रेट है 12%, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, देखो On 1st December 2002, Messrs. Bull and Beer purchased 10,000 of this debenture at 101x interest price. So, 1st December 2002. तो ये 30, ये कब इन्होंने इशू किया है? 2001 में, ठीक है? 2001 में इशू किया है. तो 1st of December 2002. तो ये वाला 2002 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग जो इन्वेस्टर है उनका अकाउंटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा 1st of March 2002 से. अच्छा ये 3 होना चाहिए, ये 3 होगा, क्यों बताते, देखो ये 3 होगा क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने खरीदा है उन्होंने दिसंबर में खरीदा था, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने इशू कब किया है, 2001 में, और हम लोग अकाउंटिंग किसका बनाएंगे, मेसर्स बुल का, क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसका अकाउंटिंग बनाना है, तो उन्होंने तो 1st December 2002 में खरीदा है, तो 1st December 2002 कब आएगा, यहाँ पर हो गया मार्च और ये यहाँ पर आ जाएगा 1st of December 2002, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर, 1st of December, फर्स्ट ऑफ डिसम्बर 2002, ठीक है। इन्होंने खरीदा है कितना, 10,000 परचेस किया है, 10,000 परचेस किया है एट द रेट ऑफ 101x इंटरेस्ट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 101x इंटरेस्ट में परचेस किया है। ऑन 1st मार्च 2003 द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर, 1st मार्च 2003, अच्छा 1st ऑफ मार्च 2003 को इन्होंने सेल भी कर दिया, सेल कर दिया है ऑल दिस डिवेंचर एट द रेट ऑफ 103, एट द रेट ऑफ 103 एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट पे सेल कर दिया है, ठीक है।
अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%. अच्छा पहले भी ब्रोकरेज दिया था एट द रेट ऑफ 1% ब्रोकरेज. ठीक है यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ 1% ब्रोकरेज ब्रोकरेज देके बेच दिया है. अच्छा प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च. ठीक है 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोला है अकाउंट. ठीक है अभी हम लोग अकाउंट नहीं बनाएंगे आज. ठीक है हम लोग अकाउंट का तो फॉर्मेट नहीं सीखे. हम लोग अभी सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होगा. तो जब उन्होंने परचेस किया उनका कॉस्ट कितना होगा, सेल किया तो उनका कॉस्ट कितना होगा. यानी बेसिकली हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे और नेक्स्ट दिन फॉर्मेट हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ परचेस. ठीक है कब खरीदा है, 1 दिसंबर 2002 में खरीदा है. कॉस्ट ऑफ परचेस कितना होगा, देखो 10,000 × 101 करके खरीदा है. तो 10,000 × 101 तो कितना हो जाएगा, 10,000 × 101 10,10,000. और ये है एक्स इंटरेस्ट के साथ. तो क्या इसमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, बोलो. इसमें अगर इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है तो इसमें इंटरेस्ट लेस नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे. बट इसमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जब खरीद रहे हैं तो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%. तो इस पे 1% लगा लो कितना हो जाएगा, 10,100. तो टोटल कर लेते हैं तो इसका मतलब 10,20,100 ये हो गया परचेज प्राइस. ठीक है तो एंट्री कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,20,100 से. इतने से हम लोगों ने परचेस किया और कितना इंटरेस्ट देके किया वो तुम लोग कैलकुलेट करोगे. ये तुम लोग को हम टास्क देंगे. ठीक है ये यहाँ पर मैंने रख दिया होमवर्क के लिए. ठीक है टू बैंक और जैसे इंटरेस्ट पता चलेगा दोनों को ऐड करके हम लोग टू बैंक लिख देंगे. और सेल जब किया तब कितना हुआ ये दिखा देते हैं. देखो सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया यानी 10,000 का एट द रेट ऑफ 103 करके यहाँ पर बताया है एक्स इंटरेस्ट. मतलब इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो इसका 10,30,000. लेकिन जब बेचा तब ब्रोकरेज फिर से दिया लेकिन यहाँ पर लेस होगा. क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू कम हो जाएगा ना. ब्रोकरेज दोनों बार ही पे कर रहे हैं बट सेल पे इंपैक्ट क्या होगा, सेल वैल्यू कम हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1%. तो 10,300 लेस करना पड़ेगा, लेस करने से आ जाएगा 10,19,700. तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है. ठीक है कितना 10,19,700 टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहाँ पर 10,000 ये वाला इन्वेस्टमेंट 10,20,100 का इन्वेस्टमेंट जा रहा है. ठीक है अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तुम लोग करोगे यहाँ पर. मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट इंटरेस्ट कब ड्यू हुआ था, देखो सितंबर को ड्यू हुआ था. इसका मतलब जब परचेस कर रहा है तो कितने दिन का इंटरेस्ट देके परचेस कर रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देके परचेस किया होगा. और जब सेल किया तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लिया होगा, ऐसे चेक करो, दिसंबर जैन फेब 3 मंथ्स का. ठीक है तो 2 मंथ्स का यहाँ पर हो जाएगा और इसमें 3 मंथ्स का. तो हम एक दिखा देते हैं कैसे होगा, 2 मंथ्स का हो जाएगा. तो यहाँ पर 10,000 × 2/12 × इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%. इंटरेस्ट का रेट है 12% और यहाँ पर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 × 100. ठीक है यहाँ पर 100 लिख देते हैं, चेक करो कितना होता है, 10,000 × 100 × 12% / 6 यानी 20,000. इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये देखो, मैंने बता ही दिया 20,000. तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 10,40,100. ठीक है इतना होगा. और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, जब बेच रहा है तो 10,000 ही बेचा, फेस वैल्यू 100, इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट रेट उतना ही रहेगा 12%. लेकिन कितने दिन का लेके बेचा ये देखो यहाँ पर 3 मंथ्स का, तो 3/12. ठीक है ये देखो यहाँ पर कर लेते 3/12. तो 10,000 × 100 × 12% / 4 3/12 मतलब 4, 30,000. 30,000 का इंटरेस्ट ले लिया है. ठीक है 30,000 का. अब देखो यहाँ पर चेक करो 20,000
और यहाँ पर 30,000, ठीक है। ये कैसे आएगा वो तो करने से पता चलेगा, तुम लोग जब करोगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जो है 30,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 नहीं, अच्छा इसमें 50,000 होना चाहिए, क्या गलत हो गया, 10,000। अच्छा ये बेचा कब है, एक बार चेक कर लेते, बेचा कब है, 1st of March को 2003 को। और अच्छा दिसंबर के बाद इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, दिसंबर के बाद तो इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ, परचेस के बाद 31st March को ही होने वाला था, 1st December, जैन फेब 3 months का ही तो होगा, 3 months का ही मैंने किया है, 3 months, 1st December से लेके 3 months का, क्या कैलकुलेशन गलत हो गया, 10,000 × 100 × 12% × 3/12, 30,000, नहीं ठीक है 30,000 ही होगा, फर्स्ट मार्च से लेके इंटरेस्ट पर 3 months, हाँ ठीक है, वो पोस्टिंग के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। ये 30,000 ही होगा, इसका मतलब 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्ट हम एक बार बता दिए कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कॉस्ट ये सब का, ठीक है। और ये जो है कैसे करके अकाउंटिंग होगा, नेक्स्ट दिन हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट बना के फिर ये क्वेश्चन पोस्ट करके दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कैसे 50 आया और ये कैसे होगा, ये इंटरेस्ट दे के खरीदा है और यहाँ पर बेच दिया था 1 तारीख को और यहाँ पर ये एडजस्ट होके आएगा, ठीक है। ये हम बता देंगे कैसे होगा, तो फिलहाल देखो कि कैसे करके कैलकुलेट होगा। और मेन ये है कि ये सारा टर्म याद रखना है, क्या एक्स इंटरेस्ट होता है, क्या कम इंटरेस्ट होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो पहले इतना करो, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।